वीडियो कॉन्फ्रेंस थी जो कि हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे और थर्ड फ्राइडे को होती है। तो आज फर्स्ट फ्राइडे है तो उसमें आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें जो पिछले महीने तक के हमारे जो क्राइम स्टैटिस्टिक होते हैं, कानून व्यवस्था की स्थितियाँ होती हैं, उन पर चर्चा होती है। वर्तमान में जैसा कि अनलॉक 4 शुरू हो चुका है, उस पर भी चर्चा हुई कि आने वाले दिनों में मंदिर और मस्जिद इबादतगाह आदि खुलेंगे तो वहाँ पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है, इन्हीं चीज़ों पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। सर, धार्मिक स्थल खुलने वाले हैं उसको लेकर कोई दिशा निर्देश आए? देखिए, सरकार की तरफ से 7 तारीख से जो धार्मिक स्थल खुलने की संभावनाओं को लेकर के निर्देश आए हैं, उसके बाद में जिला स्तर पर मीटिंग करके कलेक्टर साहब के द्वारा ये डिसाइड किया जाना है कि धार्मिक स्थलों को अभी जो खोला जाएगा वहाँ पर क्या प्रोटोकॉल ध्यान में रखे जाएंगे, किस तरह से कोविड के नियमों की पालना की जाएगी। और उस चीज़ को लेकर के अजमेर में आज हम लोग मॉर्निंग में गए भी थे, मैं और कलेक्टर साहब, अभी दरगाह की विजिट की है, ब्रह्मा मंदिर का डिटेल भी लिया है, अन्य जो भी महत्वपूर्ण इस तरह के धार्मिक स्थल है जहाँ पर कि लोगों का आगमन ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या प्रोटोकॉल रखेंगे, किस प्रकार से उन स्थलों को खोलना है और कब से खोलना है, इस पर एक विस्तार से चर्चा होगी। उस चर्चा के बाद में कलेक्टर साहब की तरफ से आदेश निकलेगा, उस आदेश के क्रम में इन स्थलों को खोला जाएगा।